ब्रह्मा कुमारी संस्था की ईश्वरी सेवाओं को पीस ऑफ माइंड चैनल के माध्यम से विश्व पटल पर लाने वाले गॉलीवुड स्टूडियो ने शानदार 10 साल पूरे कर लिए हैं। खुशी के इस मौके पर आयोजित हुए सेलिब्रेशन में संस्था के महासचिव बीके निर्वैर भाई, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी दीदी शामिल हुए। गॉलीवुड स्टूडियो सेलिब्रेटिंग 10 इयर्स ऑफ गॉडली सर्विसेज। जानकारी के लिए आपको बता दें, स्टूडियो के अनेक विभागों द्वारा तैयार किए गए एपिसोड्स की संख्या 18,000, गीत और डांस प्रोग्राम्स की संख्या 2,000 और रिकॉर्डिंग्स आवर्स 21,500 मिनट से भी अधिक है, जिसमें से प्रतिदिन टेलीकास्ट होने वाले प्रोग्राम समाधान, अमूल्य रत्न, जिंदगी बने आसान और बालो ठाकुर ने दर्शकों के दिलों में अपनी अमीर छाप छोड़ते हुए 1,000 एपिसोड्स का पड़ाव पार कर लिया है। यह महत्वपूर्ण जानकारियां गॉलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बी के हरिलाल भाई ने सेलिब्रेशन के दौरान साझा की। ब्राता जी, ग्रैमी अवार्ड के लिए गॉलीवुड स्टूडियो का एक गीत सिलेक्शन के और आगे बढ़ रहा है। हमने 50% मार्क तय कर लिया है और मैं आशा करता हूं कि इस ग्रैमी अवार्ड में उस गीत को, यदि बाबा की आप सभी की शुभकामना होंगी, तो संसार के सामने ग्रैमी अवार्ड के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस स्टूडियो के द्वारा हम उस गीत को जरूर प्रस्तुत करेंगे। इन बड़ों के आशीर्वाद, इनकी पालनाएं, इनकी अमी दृष्टि और इनकी शुभकामनाओं ने ही हमें इस मुकाम पे पहुंचाया हुआ है। इन सभी जानकारियों को सुनकर बीके निर्वैर भाई और मुनि दीदी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए भविष्य में और कीर्तिमान स्थापित करने के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। आज का दिवस बहुत शुभ और महान है। आज गॉडलीवुड स्टूडियो का 10 बरस पूरा होके 11वें में अभी प्रवेश हो रहे हैं इनकी सेवाओं का, तो बीते हुए दिन तो याद आते ही हैं। तो रमेश भाई जी और उषा बहन जी का बहुत बड़ा संकल्प था ये स्टूडियो बनाना है, और उनके संकल्प को प्यारे बाबा ने भी साकार किया, दादियों ने भी साकार किया, हमारे वरिष्ठ भाई निर्वैर भाई जी ने भी स्वीकार किया, और हरिलाल भाई जी को बहुत शक्ति मिली, जिम्मेवारी मिली, और उन्होंने दिन रात नहीं देख करके, हमने प्रैक्टिकल देखा है, संकल्प श्वास शक्ति को पूरा इसी स्टूडियो में दिया, न लौकिक देखा न और कुछ देखा। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। तो शिव भोला भगवान को सब अच्छी तरह से देखे, जाने और उसके भोलेपन से सब कुछ उनसे प्राप्त कर सके। धुम धुम तर धुम धुम तर धुम धुम तर धुम 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 तर धुम धुम तर धुम गॉडलीवुड गॉडलीवुड ना 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 हाँ गॉडलीवुड गॉडलीवुड ना 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 हाँ। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रोइंग सेवा केंद्र से माय इंडिया हेल्दी इंडिया थीम को लेकर बाइक रैली का आगाज हुआ।
संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा आयोजित यह रैली 21 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश और असम के कई शहरों में व्यसन मुक्ति और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाएगी। इस रैली के उद्घाटन अवसर पर विधायक मुच्छु मिठी, एडीसी ममता यादव, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जनरल मैनेजर विक्रम रावरो, सीआरपीएफ कमांडेंट रोहित राजकुमार, माउंट आबू से आए बीके नरेंद्र भाई, तीनसुकिया सब जोन प्रभारी बीके रजनी, दुलिया जन सेवा केंद्र प्रभारी बीके निवेदिता, तेजू सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती उपस्थित रहे। उद्घाटन के पश्चात बीके रजनी दीदी ने अभियान का उद्देश्य बताते हुए कहा कि राज्यों के अभ्यास से व्यक्ति नशे की लत से छुटकारा पाता है और उसकी मानसिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होता है। राजकोट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कार्यालय में पंचशील सोसाइटी सेवा केंद्र द्वारा हाउ टू मेक लाइफ पीसफुल विषय पर मोटिवेशनल टॉक का आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली राजौरी गार्डन सेवा केंद्र से जुड़े जवाहर एल मेहता मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए स्वीकार करने का भाव, क्षमा भाव और साक्षी भाव रखने को बहुत जरूरी बताया। इसके अलावा बीके विधि ने स्टॉप सुसाइड प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए राज्यों की अनुभूति कराई। उड़ीसा के ब्रह्मपुर स्थित प्रभु उपहार भवन रिट्रीट सेंटर में प्रेसिडेंसी कॉलेज के बीसीए और बीबीए स्टूडेंट्स के लिए एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के डायरेक्टर समेत 100 स्टूडेंट्स और 50 लोग टीचिंग स्टाफ के शामिल हुए। कार्यशाला में ब्रह्मपुर सब जोन प्रभारी बीके मंजू दीदी और प्रभु उपहार भवन रिट्रीट सेंटर की प्रभारी बीके माला दीदी ने आध्यात्मिक उत्थान के लिए सभी को राजयोग मेडिटेशन की विस्तार से जानकारी देते हुए प्रतिदिन अभ्यास करने की सलाह दी। कॉलेज के डायरेक्टर, डीन और कई टीचर्स ने कार्यशाला से प्रभावित होकर अपने सुंदर अनुभव भी सुनाए। ग्वालियर में जगनापुरा किला गेट सेवा केंद्र द्वारा डीएवी हाई सेकेंडरी स्कूल में बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके विनीता ने बच्चों को बताया कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक भोजन की जरूरत है, वैसे ही मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए अच्छे और रचनात्मक विचारों की जरूरत होती है। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर चंदेल जी उपस्थित रहे और कार्यक्रम की सराहना की। जयपुर के राजापाक सेवा केंद्र पर राजस्थान पत्रिका के द्वारा वर्तमान समय में अध्यात्म का महत्व विषय पर एक टॉक शो आयोजित हुआ, जिसमें सेवा केंद्र पर उपस्थित लोगों ने जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम दीदी और शिक्षक शेफाली माथुर से कई जिज्ञासा भरे सवाल पूछे, जिनका बीके पूनम दीदी ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिए। जम्मू और कश्मीर के रणबीर सिंह पूरा क्षेत्र में तैनात बीएसएफ 165 बटालियन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा तनाव प्रबंधन विषय पर वर्कशॉप आयोजित हुई, जिसमें बीके राजीव ने समझाया कि तनाव मुक्त रहने में राजयोग मेडिटेशन किस प्रकार कारगर है। साथ ही संस्था द्वारा चलाए जा रहे व्यसन मुक्ति और वृक्षारोपण अभियान की भी जानकारी दी। यह वर्कशॉप बटालियन के सीओ राजवंत सिंह और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीणा के सहयोग से आयोजित रही, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। ऐसे ही उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी एनडीआरएफ के अधिकारियों के लिए तनाव मुक्ति विषय पर कार्यशाला आयोजित रही, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सूरजमुखी ने अधिकारियों को तनाव मुक्त रहने के लिए कई प्रैक्टिकल उपाय बताते हुए प्रतिदिन सुबह 15 मिनट राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने का सुझाव दिया। पुणे स्थित रविवार पेट सेवा केंद्र के 26 साल पूरे होने की खुशी में वर्धापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें जगदम्बा भवन एवं पुणे मीरा सोसाइटी सब जोन की निदेशिका बीके सुनिंदा दीदी ने आत्मा की अष्ट शक्तियों का आध्यात्मिक रहस्य बताया, तो वही अतिरिक्त आयुक्त श्री विलास कनाडे ने 26 सालों में सेवा केंद्र द्वारा हुए सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों की जमकर सराहना की। इस खुशी के मौके पर प्रशासन अधिकारी वनीता विलास कनाडे, कोल्हापुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुनीता, रविवार पेट सेवा केंद्र प्रभारी बीके रोहिणी, जगदम्बा भवन की राजयोग शिक्षिका बीके भाग्यश्री मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित पल्ली यूनियन सेवा समिति, जो कि एक हॉस्टल है
और इसमें रामा देवी गर्ल्स हाई स्कूल की 330 गरीब और असहाय बच्चियां रहती हैं। इन्हीं हॉस्टल के बच्चियों के लिए ऐसे राइटिंग, स्लोगन सेइंग, ड्राइंग और स्पीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी, पल्ली यूनियन सेवा समिति के उपाध्यक्ष श्रीमती चित्रुपा, सचिव स्वाति पात्रा, समाज सेविका ज्योत्सना रॉय, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट बीके संतोष उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बीके तपस्विनी ने बच्चियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि लड़कियां आध्यात्मिक रूप से सशक्त होंगी तो वो अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हुए स्वयं का और समाज का परिवर्तन कर सकती हैं। इसके बाद ब्रह्मा कुमारी द्वारा बच्चियों को पढ़ाई से संबंधित कई वस्तुएं उपहार के रूप में वितरित की गई। दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर में ब्रह्मा कुमारीज ने आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई। बीके विनीता के मार्गदर्शन में लगी इस चित्र प्रदर्शनी को समझने के लिए सैकड़ों जिज्ञासु ने अवलोकन किया, जिन्हें बीके सदस्यों ने आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र और राजयोग मेडिटेशन की विस्तार से जानकारी दी।